था, और जब वो वैक्यूम डिस्ट्रॉय किया जाता था तो वो क्या करता था, पिस्टन जो है ऊपर चला जाता था। तो पिस्टन ऊपर जाता था, उसके साथ में क्रैंक आर्म कनेक्टेड रहता था, वो ऊपर उठता था जिससे कि ब्रेकिंग होता था। वैक्यूम में कुछ लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ये था कि आप वैक्यूम क्रिएट करने का एक एक लिमिट रहेगा कि उससे ज़्यादा वैक्यूम आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। उसमें और भी प्रॉब्लम आती रहती थी, इसीलिए वैक्यूम ब्रेक को हटा करके अब एयर ब्रेक लगाया गया। मतलब काफ़ी दिनों से है एयर ब्रेक चल रहा है, अब तुम्हारे किसी भी गाड़ी में शायद वैक्यूम ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो अपनी गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों में एयर ब्रेक है, एयर ब्रेक से चलती हैं। उसमें कोच में देखे होगे, इधर अपने सामने भी इधर एक कुछ ऐसा पाइप आगे लटका रहता है रबर का, इसको बोलते हैं एयर होस। ये दोनों साइड में लगा रहता है, ये दूसरे कोच में भी लगा रहता है जिससे कि एक कोच से दूसरे कोच को कनेक्ट किया जा सके। तो इसका नाम है आपका एयर होस। फिर यहाँ पे देखे होगे काक लगे रहते हैं, देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे सर। इसको बोलते हैं एंगल काक। उस काक का जो नाम है उसको बोलते हैं एंगल काक। ये जब ओपन कर देते हैं तब ये है कि एक कोच की हवा दूसरे कोच में पास होती रहती है, बंद कर देते हैं तो वहीं पे वो ब्लॉक हो जाती है। अपने यहाँ कोच की अगर हम बात करें तो सभी कोच में दो पाइप होता है, एक होता है फीड पाइप और एक होता है ब्रेक पाइप। ये तुम्हारे एयर ब्रेक सिस्टम का एक सिंपल सा लाइन डायग्राम है, इसमें आप देखो ये ऊपर लिखा है फीड पाइप, नीचे वाले में लिखा है ये ब्रेक पाइप। तो दो पाइपें रहती हैं जो कि थ्रू आउट द कोच जाती है। इसको काम में लेने के लिए ब्रांच पाइप होते हैं, यहां देखो यहां से यहां तक एक पाइप है। अब इस कोच की वर्किंग के लिए यहां से एक टी ज्वाइंट मार करके लिया गया है जो कि इस कोच में काम है, यहां भी जोड़ा गया है, यहां भी जोड़ा गया है। तो ये एक पाइपलाइन जो रहता है उसका एक लाइन डायग्राम है, सिंपल लाइन सिंपल सा लाइन डायग्राम। ये आपका हो गया फीड पाइप, ये हो गया है आपका ब्रेक पाइप। फीड पाइप से क्या कनेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर एक गेज बना हुआ है ये, और ये भी एक गेज है। यहाँ पे फिर लिखा है आपका GEV, गार्ड इमरजेंसी वाल्व। ये पोर्शन आपका तो कोच SLR रहेगा, SLR समझते हो, SLR समझते हो, नहीं बोलो सर, SLR समझते हो क्या, SLR? नहीं सर, नहीं समझे। SLR आगे हाँ, जो जो लास्ट कोच रहता है या पहला कोच रहता है, मतलब जिसमें गार्ड रहता है ना, जिस कोच में गार्ड रहता है, गार्ड कंपार्टमेंट बना रहता है, वो उसका रेलवे का कोड है SLR। तो उसमें ये चीज उसी में रहेगी, बाकी कोच में ये तुम्हारा गेज वाला अरेंजमेंट नहीं रहेगा, बाकी में इसको छोड़ के बाकी सब भी रहेगा। आपका ये देखो फीड पाइप, अगर देखो तो फीड पाइप से एक ब्रांच पाइप ले लिया गया, एक आइसोलेटिंग काट, यहाँ पे एक डॉट कलेक्टर रहता है उसके आगे, और उसके बाद में एक नॉन रिटर्न वाल्व। आइसोलेटिंग काक है कि अगर यहाँ से आगे की लाइन को हमको बंद करना है तो इसको बंद कर दीजिए तो इधर की लाइन बंद हो जाएगी। डर्ट रहता है ये तुम्हारे सर, जो दिखाई एयर नहीं दे रहा है से जो सर, कंप्रेस एयर पता आता नहीं है, क्या चीज दिखाई नहीं दे रहा है, है। हाँ सर, कहाँ इंडिकेट करके बता रहा है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा दिखाई है, नहीं दे रहा है। किसी जो को आप नहीं दिखाई दे एरो रहा दिखा रहे हैं ना है। सर, माउस का एरो नहीं दिखाई हाँ दे तो रहा, ये दिखाई मूव है दे रहा है सर, सर। वो फिगर बड़ा किया होगा सर। अरे भाई ध्यान दिख से रहा है सर, क्यों सर, दिखाई देगा, सर आप रोटेट दिख करो ना रहे हैं यार सर, फोन को। एक आदमी बोलिए, किसी को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा दिख रहा है सर, है,
सर हमें आप देख रहे हैं सर। हाँ सर, लेकिन जो आप माउस का जो एरो एरो नहीं दिखाई दे रहा माउस का, वो तो बहुत छोटा दिखता है, इसलिए बोल रहे। नहीं सर हमें तो अभी एरो दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जिसको नहीं दिख रहा है वो कुछ और देख रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तो ये तुम्हारा फीड पाइप है मेन, यहां से एक ब्रांच पाइप लेते हैं, ये आइसोलेटिंग काक है, डर्ट कलेक्टर, ये डर्ट कलेक्टर लगा रहता है। डर्ट कलेक्टर लगाते हैं कि आपका जो डस्ट या मॉइस्चर है उसको क्लीन करने के लिए। उसके आगे ये लिखा हुआ है एनआरवी, एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। एनआरवी लगाया जाता है कि एक बार जो प्रेशर इसके अंदर आ गया, मतलब इसमें प्रेशर इधर से इधर आएगा, इसका प्रेशर उल्टा इधर नहीं जाएगा। ये जो एनआरवी है नॉन रिटर्न वाल्व, इसका जो डायरेक्शन रहेगा आपका, यहाँ का प्रेशर इधर जाएगा, इसके अंदर का प्रेशर ये इधर से उल्टा नहीं जाने देगा। और ये रहता है आपका 200 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर, जो कि फीड पाइप के थ्रू चार्ज होता है। इसको चार्ज करने के लिए ये फीड पाइप से आइसोलेटिंग का डर्ट कलेक्टर और नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू आपका ये 200 लीटर का रिजर्वायर है, जिसको कि फीड पाइप चार्ज करता है। फीड पाइप से और कोई कनेक्शन नॉर्मली नहीं रहता है। अब आते हैं ब्रेक पाइप पे, जो दूसरा पाइप रहता है आपका ब्रेक पाइप। ये फीड पाइप जो रहता है, ये जब पेंट अगर आपको दिखेगा कि पेंट किस कलर का है, तो उस पे व्हाइट कलर का पेंट लगा रहता है। आपका जो एंगल काक है उस पर भी व्हाइट कलर का पेंट किया रहता है, जिससे कि आसानी से आप उसको पहचान सकें कि हाँ ये फीड पाइप का एंगल काक है। जो ब्रेक पाइप है उसका कलर जो है ग्रीन कलर का रहता है, इसका एंगल काक भी ये ग्रीन कलर का रहता है। ये जो पाम एंड है, यहाँ पे जो पाम एंड रहता है, ये भी ग्रीन पेंट किया रहता है। फीड पाइप वाले का पाम एंड जो है व्हाइट पेंट किया रहता है। पेंट के साथ साथ ये जो पाम एंड है वहां पे बीपी और एफपी लिखा भी रहता है। बीपी का मतलब हुआ आपका ब्रेक पाइप, एफपी का मतलब हुआ आपका फीड पाइप। तो आपके फीड पाइप का कनेक्शन सिर्फ यही है कि ये ला करके ऑक्सिलरी रिजर्वायर को जोड़ दिया जाता है, और आपका फीड पाइप जो है ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करता रहता है। दूसरा पाइप है आपका ब्रेक पाइप। ब्रेक पाइप से चलोगे तो यहाँ भी आइसोलेटिंग काक और डर्ट कलेक्टर, इसमें नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ नहीं है। यहाँ आइसोलेटिंग काक, डर्ट कलेक्टर, और फिर ला करके ये डीबी का एक कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है, उसमें लाके जोड़ दिया जाता है। ये ब्रेक पाइप वाला आया, ये ब्रांच पाइप से डर्ट कलेक्टर डीबी के कॉमन पाइप ब्रैकेट में। यहीं पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डीवी लिखा हुआ है, ये माउंट किया रहता है। डीवी के पीछे ही कंट्रोल रिजर्वायर लगा रहता है, इसको सीआर बोलते हैं। और फिर यहीं डीवी के कॉमन पाइप ब्रैकेट से एक पाइप बाहर आता है, एक पाइप कनेक्ट होता है, जो कि आपके ब्रेक सिलेंडर वाली पाइपलाइन में जाता है। ये जो प्रेशर आएगा ये आपके ब्रेक सिलेंडर वाली पाइपलाइन में जाएगा, और यही कॉमन पाइप ब्रैकेट से एक पाइप और रहता है, जो कि आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर को इधर सामने से जोड़ दिया जाता है। तो आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है, अब ये फीड पाइप से भी चार्ज होगा और ये ब्रेक पाइप से भी चार्ज होगा, लेकिन ब्रेक पाइप से डायरेक्ट चार्ज नहीं होगा, ये वाया डीवी जाता है। डीवी के थ्रू तब ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर को ये चार्ज करता है। यहाँ पे अगर कलर में देखोगे तो आपका ये जो ग्रीन कलर है ये आपका ब्रेक पाइप का प्रेशर है, और ये जो ब्राउन कलर है ये आपका फीड पाइप का प्रेशर है। आपके फीड पाइप में 6 kg/cm² का प्रेशर रहता है, और जो ब्रेक पाइप है इसमें 5 kg/cm² का प्रेशर रहता है। तो इसीलिए कभी भी अगर ये पाम एंड को आपको अगर यहाँ ओपन करना है, दो कोच के
दो को जब भी अलग किया जाएगा तो इसको ओपन किया जाएगा। इसको ओपन करने के पहले ये वाले दोनों एंगल काक, ये वाला एंगल काक और इसके बगल वाला जो कोच है, दोनों कोच के एंगल काक को आपको बंद करना है। बंद कर दोगे तो क्या होगा, इसके अंदर की जो एयर है ये एयर आपकी बाहर निकल जाएगी, उसके बाद ही ओपन करना, नहीं तो इतना प्रेशर रहता है कि आपका दांत नाक मुंह तोड़ देगा। अगर बगैर एंगल काक को बंद किए ओपन कर दिए तो आपका दांत टूट जाएगा, क्योंकि वो पाइप जो है बहुत जोर से बाहर निकलता, मतलब ये ओपन होगा और आपको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फीड पाइप हो गया और ये आपका ब्रेक पाइप। अब देखो आपका फीड पाइप 6 kg, इसको ब्रेक पाइप देखो किसको किसको चार्ज करता है, आपका ये कॉमन पाइप ब्रैकेट से, ये कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज करता है ब्रेक पाइप, और किसको चार्ज करता है, ये एआर को भी चार्ज करता है। तो आपका जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है ये आपका ब्रेक पाइप और दोनों से चार्ज होता है। इनिशियली क्या होता है, ये दोनों से चार्ज होता है जब इसके अंदर का प्रेशर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर जब ब्रेक पाइप के बराबर हो जाता है, मतलब अगर 5 kg हो गया तब क्या करता है, ये ब्रेक पाइप इसको चार्ज करना बंद कर देता है। यहाँ पे एक वॉल लगा रहता है जो कि एआर की चार्जिंग को बंद कर देता है, बाकी जो बचता है 1 kg आपका फीड पाइप चार्ज करता है। डीवी के साथ में पीछे ही कंट्रोल रिजर्वायर लगा रहता है, सीआर जिसको बोलते हैं, ये चार्ज होता है आपका थ्रू डीवी चार्ज होता है, लेकिन वहाँ प्रेशर कितना रहता है, जितना आपका बीपी का प्रेशर होगा। बीपी को नॉर्मली 5 kg बोला जाता है, तो अगर बीपी में 5 kg का प्रेशर है तो आपके कंट्रोल रिजर्वायर में 5 kg का प्रेशर रहेगा, आपका सीआर जो है 5 kg के प्रेशर से चार्ज होगा। अगर आपके बीपी का प्रेशर 4.5 है तो आपका कंट्रोल रिजर्वायर जो है 4.5 से चार्ज होगा, अगर 5.2 है या 5.5 है तो ये 5.2 से चार्ज होगा। मतलब ये जान लीजिए कि आपका सीआर जो है जितना आपका बीपी प्रेशर रहता है उतने प्रेशर से चार्ज होता है। अब एक लाइन आपको बताया था कि आपके बीसी लाइन से कनेक्ट होता है, ये डीवी का जो प्रेशर बाहर निकलता है ये आपके ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन से कनेक्ट होता है, ये जो कि नॉर्मली अभी देखिए जब ये चार्ज हो रहा है तब किससे कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर से। तो ब्रेक लगता कैसे है, आपका बीपी 5 kg से चार्ज रहता है, आपका फीड पाइप जो है 6 kg से, ये 5 kg से चार्ज होता है तो आपका कंट्रोल रिजर्वायर भी 5 kg से चार्ज रहता है। ब्रेक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बीपी प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। ड्राइवर के पास में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं A9 वाल्व, ड्राइवर क्या करता है A9 वाल्व से बीपी के प्रेशर को वो ड्रॉप करता है। जब वो बीपी प्रेशर को ड्रॉप करता है तो आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग होती। तो ब्रेकिंग के लिए जो एक बेसिक सिद्धांत है ब्रेकिंग का, कि जब आप बीपी प्रेशर को ड्रॉप, जब आपका बीपी प्रेशर कंट्रोल रिजर्वायर के प्रेशर से कम हो जाता है तब आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग होता है। मतलब जब आपके बीपी का प्रेशर सीआर से कम हो जाता है, कंट्रोल रिजर्वायर के प्रेशर से कम हो जाता है, तो आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग होता है। और जब आपके गाड़ी का प्रेशर
बीपी का प्रेशर जब आपके सीआर के बराबर हो जाता है तब आपकी गाड़ी जो है रिलीज हो जाती है। एक मिनट रुकिए। ब्रेक लगाने के लिए जैसा मैंने बताया कि बीपी प्रेशर को आपको ड्रॉप करना पड़ता है। बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है किससे? डीबी को पता कहां से चलता है? डीबी आपका जो ये कन्वायर रिजर्व प्रेशर है, सीआर का प्रेशर, इससे बीपी को मॉनिटर करता रहता है, मतलब कंपेयर करता रहता है। जब आपका बीपी प्रेशर जो है इस सीआर के प्रेशर से कम हो जाता है तो आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग इनिशिएट हो जाती है, ब्रेक लगता है। रिलीज कब होता है? जब आप बीपी प्रेशर को इस सीआर के प्रेशर के बराबर कर देते हैं तो आपकी गाड़ी जो है रिलीज हो जाती है। इसलिए ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाते टाइम जहां उसको रोकना होता है वो बीपी प्रेशर को ड्रॉप कर देता है, गाड़ी रुक जाती है, और जब फिर गाड़ी को स्टार्ट करना रहता है तो ब्रेक को रिलीज करने के लिए क्या करता है, बीपी प्रेशर को फिर से वो 5 kg कर देता है। तो आपका सीआर कितने पे, जैसे मैंने बताया कि आपका सीआर जो है जितना आपका बीपी का प्रेशर रहता है उतने प्रेशर से चार्ज रहता है, मतलब आपका बीपी प्रेशर अगर 5 kg था तो आपका सीआर 5 kg से चार्ज है, और वो सीआर का प्रेशर कहीं नहीं जाता, एक बार चार्ज हो जाने के बाद वो कहीं नहीं जाता है। तो जब आप बीपी प्रेशर को ड्रॉप करते हैं तो आपकी गाड़ी को ब्रेक लग जाता है, और जब फिर आप बीपी प्रेशर को रेस करके 5 kg कर देते हैं, 5 kg मतलब सीआर के बराबर हो जाता है, तो आपकी गाड़ी रिलीज हो जाती है। अब ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगता कैसे है, जब आप बीपी प्रेशर को ड्रॉप करते हैं तो डीबी क्या करता है, आपके ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। ये देखिए यहाँ एक पिस्टन लगा है, इसके पीछे से प्रेशर प्रेस करता है तो क्या होता है, ये पिस्टन आपका बाहर निकलता है, ये प्रेशर आता है यहाँ पीछे से, आपका पिस्टन बाहर निकलता है। जब पिस्टन बाहर निकलता है तो उसके आगे ब्रेक रिगिंग का अरेंजमेंट रहता है, फ्लोटिंग लीवर वगैरह लगे रहते हैं, वो उसको पुश करता है, और फिर उधर मैकेनिकल अरेंजमेंट किया रहता है कि फिर आपका ब्रेक ब्लॉक जो है जा करके व्हील से चिपक जाता है, ब्रेक ब्लॉक आपका व्हील से। ये इसकी ब्रेकिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी साइकिल में होता है कि आप साइकिल का जब ब्रेक दबाते हैं तो रबर का जो ये रहता है रिम को पकड़ने वाला, वो क्या करता है आपके रिम को जाके पकड़ लेता है। सेम ऐसे जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक ब्लॉक जो है व्हील को जाकर के पकड़। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? ब्रेक शू रहता है, ब्रेक शू। कोई बोल रहा था क्या कुछ? नहीं, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज सर। आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो आपके ब्रेक सिलेंडर में ये पिस्टन में पीछे से हवा भरती है तो आपका पिस्टन बाहर निकलता है और आपकी गाड़ी को ब्रेक लगता है। अब ये इसमें एयर आती कहाँ से है, जो आप पिस्टन में एयर फीड करने के लिए एयर आता कहाँ से है, वो एयर आता ऐसे है, आप इसमें अब चार्जिंग, ये है आपका चार्जिंग पोजिशन, चार्जिंग में देखिए आपका फीड पाइप का प्रेशर आया, यहाँ से आपके एआर में आ गया और कहीं नहीं गया, फिर यहाँ से ये इस चेज में चला गया, अगर ये एसएलआर रहेगा तो इस गेज में आ गया, ब्रेक पाइप का प्रेशर आया, ये इधर भी जाता है, ये चेन पुलिंग के लिए लगा हुआ है,
फिर आपका यहाँ आया, ये सीआर को चार्ज किया और ये फिर आकर के आपके एआर को चार्ज किया। जब तक ये चार्ज कर रहा था तब तक ये ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन का कनेक्शन किससे रहता है, एटमॉस्फेयर से। मतलब अगर यहाँ कोई हवा है कंप्रेसर, तो ये एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा और आपकी गाड़ी रिलीज रहेगी। ब्रेक लगाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप क्या करते हो, बीपी के प्रेशर को ड्रॉप करते हो। तो जब बीपी के प्रेशर को ड्रॉप करते हो तब क्या होता है, गाड़ी में ब्रेक लगता है। ब्रेक लगता है तो होता क्या है, अब यहाँ देखो, यहाँ बीपी प्रेशर को ड्रॉप किया गया, आपका सीआर का प्रेशर ये है, ये कट ऑफ हो गया, जितना सीआर था वही रह गया। ये बीपी का प्रेशर यहाँ से ये लाइन के थ्रू आगे निकल रहा है, तब क्या होता है कि आपके ये एआर का कनेक्शन ये ब्रेक सिलेंडर वाली जो लाइन थी उससे कनेक्ट हो जाता है। ये बीसी लाइन का कनेक्शन जो पहले एटमॉस्फेयर में था ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कनेक्शन सीधे आपके ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन से हो जाता है। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो यही ऑक्सिलरी रिजर्वायर के प्रेशर को बीसी लाइन में भेजते हैं। ब्रेक लगाने के लिए आपके एआर में प्रेशर होना जरूरी है। अगर आपके ऑक्सिलरी रिजर्वायर में प्रेशर नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर देने के लिए कहीं प्रेशर ही नहीं है। आपकी बीसी लाइन को जो प्रेशर मिलता है ये यही ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर रहता है, यही प्रेशर रहता है जो कि आपकी बीसी लाइन में फीड होता है जब आप ब्रेक लगाते हो, और यही ब्रेक सिलेंडर में जाता है और उसका पिस्टन बाहर निकलता है और ब्रेक लग जाता है। अब ये बात आती है कि आपके एआर में जो प्रेशर रहता है ये कितना रहता है, 200। एआर में प्रेशर कितने केजी का रहता है, 200 6 केजी का। 6 केजी, अब 6 केजी का रहता है, इससे डायरेक्ट अगर कनेक्ट हो जाता तो आपके ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर कितना जाता, 6 केजी। लेकिन यहाँ पे प्रेशर लिमिटर लगा रहता है, डीवी के अंदर जो है प्रेशर लिमिटर लगा रहता है। ये प्रेशर लिमिटर क्या करता है, जितना प्रेशर सेट रहता है उतना ही प्रेशर ये ब्रेक सिलेंडर में जाने देता है। तो आपका ये जो प्रेशर लिमिटर है, अगर ICF गाड़ी है तो उसमें 3.8 kg का प्रेशर जाने देता है ब्रेक सिलेंडर में, और अगर ये LHB है तो 3 kg। आपका प्रेशर लिमिटर उतने ही प्रेशर पे सेट रहता है कि अगर ICF है तो 3.8 kg जाने देगा प्रेशर, और LHB है तो 3 kg, उससे ज्यादा प्रेशर वो उसके अंदर नहीं जाने देता है। इसीलिए आप वहां देखो लिखा हुआ प्रेशर लिमिटर। प्रेशर लिमिटर का काम है आपके प्रेशर को लिमिट में रखना कि एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर वो आगे जाने नहीं देता है। अब ये प्रेशर आपके पिस्टन में जाएगा, आपका पिस्टन बाहर निकलेगा और आपकी आपका पिस्टन बाहर निकलेगा और आपकी गाड़ी को जो है ब्रेक लग जाएगा। आवाज आ रही है ना? यस सर। सर पिस्टन में सर तो ICF कोच में 3.8 kg का ही प्रेशर जाएगा। हाँ, ICF में 3.8 का जाएगा और LHB अगर रहेगा 3 kg का। 6 kg कौन बोल रहा है? 3 kg सर। 3 kg LHB में 3 kg। Yes. LHB में ये जो प्रेशर लिमिटर रहता है ये 3 kg पे सेट रहता है। LHB में आपका 3 kg का प्रेशर जाता है और ICF के ब्रेक सिलेंडर में 3.8 का जाता है, 3.8 प्लस माइनस 0.1, और यही अगर LHB है तो 3 kg प्लस माइनस 0.1। वो प्रेशर कहाँ से मिलता है उसको? ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर से। आपके ऑक्सिलरी रिजर्वायर से उसको प्रेशर मिलता है। तो ये तो आपने ब्रेक लगा दिया,
अब रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बीपी प्रेशर को फिर बढ़ाना पड़ेगा। बीपी प्रेशर को जब बढ़ाओगे तो आपका ये बीपी को कहां तक लेके जाना है, जितना 5 kg आपका था फिर 5 kg करो तो क्या होगा, आपका बीपी प्रेशर जो है सीआर के बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये बीपी प्रेशर आपका 5 kg होगा, अगेन आपका ये जो बीसी लाइन का कनेक्शन है ये एटमॉस्फेयर से हो जाएगा और जो प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में है ये डीबी के थ्रू एटमॉस्फेयर में एग्जास्ट हो जाएगा। अब आपके ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकल गया तो आपका पिस्टन क्या होगा, यहाँ पे आगे स्प्रिंग लगी रहती है तो जब ये प्रेशर निकलेगा तो ये स्प्रिंग जो है पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करेगा और आपका पिस्टन अंदर चला जाएगा, आपकी गाड़ी जो है रिलीज हो जाएगी। तो अब आपका जो ब्रेक लगा था आपका ब्रेक जो है ये रिलीज हो जाएगा। ये है एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल आपका जो एयर ब्रेक आपका काम करता है, जो अपना कोच या बैगन जो रहता है जिसपे की काम करता है। इसमें एक चीज ये जान लीजिए, आपका ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर ना रहे तो क्या होगा, ऑक्सिलरी रिजर्वायर नहीं रहेगा तो क्या हो, तो ब्रेक लगेगा गाड़ी को नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर, उसमें हवा ही नहीं रहेगा। हाँ ब्रेक लगाने के लिए एयर एयर से ही ना जाता पिस्टन में सर, एयर तो एयर जब रहेगा नहीं तो जाएगा। सर ब्रेक लगेगा लेकिन रिलीज नहीं, नहीं ब्रेक लगेगा ही नहीं अगर आपके लगेगा ही नहीं, अगर आपके एयर में प्रेशर नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी को ब्रेक लगेगा नहीं, क्योंकि तो पिस्टन को बाहर निकालने के लिए प्रेशर चाहिए ना, तभी तो ब्रेक लगेगा। यस सर, सर और जब एक बार मतलब सीआर को चार्ज कर देंगे तो मतलब जब तक ट्रेन बंद नहीं होगी मतलब तो वो 5 kg तक प्रेशर तो रहेगा ही ना सिर्फ सीआर में ना। यस सर, हाँ सीआर का प्रेशर कहीं नहीं जाता है, एक बार चार्ज करने के बाद बस वो ऑटोमेटिक उतना ही रहेगा सीआर। यस हाँ, सीआर को एक बार चार्ज कर देने के बाद में उसका प्रेशर कहीं नहीं जाता है। उसका प्रेशर डिस्चार्ज तभी होता है जब डीवी के नीचे कोई रिलीज वाल्व लगा रहता है, जब उसको खींचते हैं तभी उसका प्रेशर जाता है, अदरवाइज उसका प्रेशर कहीं नहीं जाता है। आपका एआर का प्रेशर तो है कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक सिलेंडर में जाता है, लेकिन आपके सीआर का प्रेशर एक बार चार्ज हो जाने के बाद वो कहीं नहीं जाता है। वो आपका सीआर जो है वो एक रेफरेंस प्रेशर देता है। जैसे आपने बीपी प्रेशर को ड्रॉप किया तो जो डीवी को पता चलता है कि हाँ आपने बीपी प्रेशर को ड्रॉप किया, वो इसी सीआर के प्रेशर से कंपेयर करता है, उसी से ही उसको पता चलता है कि आपने बीपी प्रेशर को ड्रॉप कर दिया है, अब मुझे ब्रेक लगाना है। ठीक है, यस ये सीआर के प्रेशर। हाँ बोलो। अरे सर जी, सीआर जो होता है, सीआर में जो कनेक्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये पिस्टन से जो कनेक्शन है, ये ऑटोमेटिक होते रहते हैं या किसी मैनुअल होते हैं, पाइप के थ्रू होते हैं, कैसे होते हैं? क्या चीज सर? सीआर से जो कनेक्शन है पिस्टन के लिए जा रहा है और जो एटमॉस्फेरिक कनेक्शन है, ये मैनुअल होते हैं, पाइप के थ्रू होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं क्या? नहीं, क्या पाइपलाइन दिया हुआ है ना, ये पाइपलाइन है ना ये सर, जब ये ब्रेक रिलीज होते हैं तो जो इसके अंदर का जो कनेक्शन है ना, इसके अंदर वाला जो है जी सर, इसके अंदर का वो अपने आप मतलब वो डीबी करता है। जैसे अभी तुमने यहाँ देखा कि ये एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। हाँ, फिर एटमॉस्फेयर से हट भी जाता है। हाँ, जब ब्रेक लगाना हुआ तब ये एआर से कनेक्ट होकर के ये इस साइड में आ गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया ना। जी जी जी। तो ये इसके अंदर का जो तामझाम है ये वाला जी सर, ये डीवी करता है अपने अंदर से, वो डीवी करता है मतलब वो ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रेशर कम ज्यादा होता है वो डीवी उसके हिसाब से ब्रेक लगाता है और ब्रेक रिलीज करता है, वो काम डीवी करता है, मैनुअली कुछ नहीं होता है।
सर एक चीज और थी सर, जो आईसीएफ कोच होती है उसकी स्पीड कम होती है लेकिन उसमें 3.8 kg/cm² का ज्यादा हम प्रेशर लगा रहे हैं, और एलएचबी होता है, एलएचबी की स्पीड ज्यादा होती है, उसके बावजूद हम 3 kg/cm² का ब्रेक लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो पहली चीज तो ये है कि आपका जो आईसीएफ है उसमें आपके 4 ब्रेक सिलेंडर रहते हैं, ठीक है, और उसका ब्रेक रिगिंग जो है उसमें ब्रेक रिगिंग काफी ज्यादा है, उसमें मैकेनिकल लॉस ज्यादा होता है। इसके अलावा आपका जो एलएचबी रहता है उसमें जो ब्रेक लगता है वो उसमें 8 ब्रेक सिलेंडर लगे रहते हैं, और उसके ब्रेक सिलेंडर जो है ब्रेक डिस्क पे ब्रेक लगाते हैं, और वो ब्रेक डिस्क ब्रेक सिलेंडर वही ब्रेक डिस्क के ऊपर ही माउंट रहता है, तो वहां मैकेनिकल लॉस नहीं के बराबर होता है। और वैसे भी आप कहीं भी देख लीजिए जो कोलैप्स टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो डिस्क ब्रेक सिस्टम से कम इफेक्टिव माना जाता है। आपने अगर गाड़ी चलाई होगी तो पहले जैसे फोर व्हीलर में ड्रम ब्रेक सिस्टम आता ब्रेक ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, पहले आपकी गाड़ी में ड्रम ब्रेक सिस्टम रहता था कि आप ब्रेक लगाते थे, अंदर उसका ब्रेक जो ब्रेक पैड है वो फैलता था, अंदर एक हाउसिंग ड्रम रहता था उसमें जाके चिपकता था और उससे गाड़ी आपकी रुकती थी। अभी क्या है, सभी गाड़ियों में डिस्क लगा दिया गया है, तो अभी आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी का ब्रेकिंग उसके कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है, उससे है कि नहीं इफेक्टिव? ओके सर, जी सर, क्लियर हो गया डाउट। सेम चीज यही है, ये यहाँ भी है, वहां चूंकि ब्रेकिंग मतलब ब्रेक सिलेंडर कम है इसीलिए वहां पे ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। दूसरा चीज, एक चीज ये भी है कि आपका जो ये रहता है आपका ये आईसीएफ के कोच का वेट भी ज्यादा है, तो वेट ज्यादा वेट को रोकने के लिए भी थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, मतलब ब्रेकिंग फोर्स थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है तभी गाड़ी रुकती है उतनी ब्रेकिंग डिस्टेंस पे। सर जब पिस्टन रिलीज होता है मतलब वो उसका स्प्रिंग अंदर जाता है तो एयर एटमॉस्फेयर वो जो एयर कहाँ से डीवी से निकलता है? एयर? यस सर, ब्रेक सिलेंडर का एयर ना? यस सर। हाँ, ये क्या देखो यहाँ से क्या निकल गया ना, अभी ये रिलीज टाइम जब रिलीज पोजीशन में आया तो आपका ये एटमॉस्फेयर में चला गया ना ये। हाँ सर। ये ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन किससे हो गया, जो ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन थी इसका कनेक्शन एटमॉस्फेयर से हो गया ना, एटमॉस्फेयर से, तो उसका एयर जो है एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। ठीक। और सर एयर एयर 200 लीटर का होता है ना सर, तो मतलब एचसीएफ में दो लगा होता है तो बोलो एक, तो दोनों मतलब दोनों में 200 लीटर का है, मतलब वही 200 लीटर का आपस में बांटता हो रहा था? नहीं, तुम्हारी आवाज बंद हो गई सर। एक्सिलरी रिजर्वायर जो है मतलब उसमें 200 लीटर रहता है ना यार? हाँ, तो उसमें मतलब दोनों में दो टैंक लगा हुआ था सर रिजर्वायर का, तो मतलब दोनों में 200 लीटर रहता है या फिर 200 लीटर का ही मतलब दोनों में बांटा हुआ रहता है? कहाँ दो टैंक देखे 200 लीटर का? आईसीएफ मतलब वहाँ जो नीचे में लगा हुआ है सर। नहीं, आईसीएफ आईसीएफ में ये जो एआर है ये एक ही रहता है, दो नहीं रहता है। इसी कोच के नीचे सामने कोच खड़ा है ना एक? हाँ सर। वहाँ नीचे देखना या किसी भी ये कहीं भी कोच में देखोगे तो ये जो 200 लीटर का एआर है ये एक ही रहता है। तुमने इधर मॉडल रूम में देखे हो क्या? मॉडल रूम में? हाँ सर। मॉडल रूम में जो एआर है वो 100-100 लीटर के दो हैं। पहले क्या होता था, एआर छोटा आता था, 100-100 लीटर के दो एआर लगे रहते थे, अभी वो दो को हटा के एक कर दिया गया है 200 लीटर का। एलएचबी में अगर वही एआर देखोगे तो वहां भी दो रहता है, उसमें एक 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 जो है 75 लीटर का रहता है और एक तुम्हारा 125 लीटर का रहता है, ठीक है?
यस सर। ये था तुम्हारा एयर ब्रेक का मतलब एक बेसिक सा आइडिया कि आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग कैसे होती है। ये कुछ समझ में आया कि नहीं? क्यों क्यों आगे 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 सभी लोग एक साथ बोलो। राजू कुमार बताओ ब्रेक कैसे लगता है गाड़ी को? राजू कुमार कौन है? राजू कुमार भाई हाँ सर बोलो। गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर ब्रेक को रिलीज किया जाता है। हैं? ब्रेक को रिलीज किया जाता है। ब्रेक को रिलीज किया जाता है। यस सर। लिंसन विश्वास गाड़ी को ब्रेक कैसे लगता है? सर जब बीपी प्रेशर कम हो जाता है तब ब्रेक लगता है। क्या करते हैं? जब बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हुए तब ब्रेक लगता है। डीवी का प्रेशर हाँ कम होते है तब ब्रेक लगता है। नहीं डीवी का प्रेशर ड्रॉप करना पड़ता है या बीपी का प्रेशर ड्रॉप करना पड़ता है? बीपी बीपी सर। हैं? बीपी बीपी। बीपी का फुल फॉर्म क्या है? बीपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक 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 टाइप। हैं? सर ब्रेक पाइप सर। ब्रेक पाइप। और ये पी का फुल फॉर्म क्या है? फीड पाइप। फीड पाइप सर। सर फीड पाइप। ये पी आपका फीड पाइप होता है। हाँ। एआर का वॉल्यूम कितना रहता है? विकास विकास कुमार विकास कुमार बताओ एआर का 200 सर। 200 लीटर 200 सर। इतने में ये विकास कुमार से पूछ रहा था। 200 लीटर विकास कुमार 200 सर। विकास कुमार कहाँ गायब हो गए? सर 200 लीटर होता है। विकेश कुमार नाम है सर मेरा। विकेश विकेश नाम है। जी सर 200 लीटर होता है। अच्छा ठीक है। सीआर में कितना प्रेशर रहता है? कंट्रोल रिजर्वायर में कितना प्रेशर रहता है? सर 6 छह केजी रहता है। 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों अमन कुमार? 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 केजी सर नहीं एक लोग 5 करें एक लोग 6 करें। अमन कुमार को पता है। अमन कुमार बताएगा। अमन कुमार आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? वो तो ऐसा देख रहा है जैसे आवाज ही नहीं सुनाई दे रही उसको। अमन अमन आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? यस सर।
अमन तुम पहले अपना माइक्रोफोन अपना माइक को ये अनम्यूट करो, अपने माइक को अनम्यूट करो। राजू अपना माइक बंद कर भाई। हाँ हाँ ठीक है अमन अभी बोलो। 5 kg सर। 5 kg हाँ ठीक है। अगर AR नहीं रहेगा तो गाड़ी में ब्रेक लगेगा? नहीं सर नहीं लगेगा। ये LHB के ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाता है मैक्सिमम? 3 kg। और ICF में 3.8 kg रहता है। ठीक है ये था तुम्हारा एक एयर ब्रेक का एक बेसिक आइडिया कि आपकी गाड़ी में ब्रेक कैसे लगता है, पार्ट्स कहाँ रहते हैं। जो लोग यहाँ क्लास में हैं BTC में सामने कोच खड़ा है उसमें जाके देख सकते हो, पाइपलाइन का कनेक्टर से है वो जाके देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ओके सर। तो जिनको हुक्म दिया जाता है वो ये जान लीजिए उनको सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पैंट शर्ट में जैसे आप यहाँ आते हो BTC उसमें रहना है, चड्डी बंडी पहन के नहीं घूमना है। और जब भी क्लास लिया जाएगा आपको ऑनलाइन वहाँ से क्लास लेना है। जी सर। ठीक है जी सर ओके। सर कल हमको आना है क्या? हैं? कल हमको आना है क्या? तुमको शेड्यूल बताया गया होगा ना कब आना है किसको? नहीं सर हम न्यू जॉइनिंग थी ना 17 को जॉइनिंग हुई थी उसके बाद हमको कुछ भी नहीं बताया, आज फर्स्ट क्लास लगी हमारी। अच्छा ठीक है तो कल आना तब बताएंगे। एक इसमें किसको चोट किसको लगी थी? इसके हाथ में चोट लग गया था। राकेश कुमार के सर। हाँ सर। राकेश है क्या आज इधर? जी सर। किधर है राकेश कौन है? जी सर हम है। नहीं नहीं किधर हो तुम तो दिख नहीं रहे हो ना। जी सर, जी सर। तुम्हारे पास में मोबाइल नहीं है क्या? है सर। अच्छा एक मिनट। अच्छा ये तो तुम यहाँ क्यों आ गए? यहाँ क्यों राकेश सर तुम कहाँ हो? BTC में हो घर पे हो अपने? BTC में। BTC क्यों आया तुम? बोले थे शुक्ला सर कि आ सकते हो। तो नहीं नहीं आ सकते हो ठीक है लेकिन कितने दिन आते हो इधर? क्या सर कितने दिन आते हो BTC हफ्ते में? तो 3 दिन। ठीक है तो 2 ही दिन आओ। ठीक है जी सर। ठीक है सर हफ्ते में 2 ही दिन आओ जब तक तुम्हारा ये प्लास्टर निकल नहीं जाता है। जी सर क्योंकि अननेसेसरी कहीं लोकल में आते जाते कहीं और चोट लग जाएगी दिक्कत हो जाएगी। जी सर ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। ठीक है ओके ओके सर। सर जी तो लास्ट पार्ट तो दे दीजिए सर। एक क्या जी पहले बंद कैसे हो तुम्हारे फिर बंद करना बोलो क्या बोल रहे हो? बोलिए। हेलो बोलो बोलो सर जी आगे बोलोगे सर है ना सर 2 बजे से प्रतिदिन क्लास ले लीजिए ना सर। 2 बजे से हर दिन क्लास? हाँ सर क्लास को डेली लीजिए। टाइम जब भी मिलेगा तो क्लास लिया। ठीक है अभी जाके उधर कोर्ट में देख लो जो बताया गया उतना देख लो। ठीक सर।